हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आरती कोर वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील की, और इसका हम टारगेट डिस्कस करेंगे कब के लिए, 27 मई के लिए। चार्ट मैंने लगा रखा है, देखिए आज की क्लोजिंग हुई है 683 के आसपास, राइट। और ये देखिए 26 तारीख को सीधा जो है ये सुबह के 9:20 पे ही ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 678 के आसपास, राइट। वहां से जो है ऊपर की तरफ गया, फिर आया, फिर ऊपर की तरफ हल्का सा जो है 683 के आसपास जो है क्लोज हुआ है। आज थोड़ा मेटल सेक्टर में देखिए दोस्तों एक करेक्शन था, इसके चक्कर में स्टील की जितनी कंपनियां सब में, चाहे टाटा मोटर, टाटा स्टील हो, जिंदल स्टील हो, सब में जो है गिरावट थी, राइट। अगर सपोर्ट का थोड़ा सा सपोर्ट की बात करें और क्या है इसमें, तो फ्रेंड्स आज की डेट में ये क्लोज हुआ है 783 पे, और इसका सपोर्ट यहाँ कहीं आसपास नहीं है, थोड़ा सा नीचे की तरफ सपोर्ट है, राइट। ये कहीं इधर है 6 और भी नीचे है अगर सपोर्ट है तो। बाकी अगर एक लगभग 2 हफ्ते का जो सपोर्ट देखा जाए तो सेम देखिए यहाँ पे आया था, सेम ये वी शेप में रिकवर हुआ था 683 पे, अगेन नीचे आया, फिर यहीं से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे फिर बाउंस बैक किया, फिर वहीं पे आ गया है। तो अगर 2 वीक का सपोर्ट देखें तो ये सपोर्ट काम कर सकता है 682 680 के आसपास, राइट। और देखिए ऊपर की तरफ अगर गया तो मान के चलिए कि सबसे पहले ये टच करेगा 7688, 688 क्रॉस किया तो फिर जो है 713 रुपए तक जा सकता है। बशर्ते कंडीशन एक ही है कि मेटल सेक्टर में जो आज की डेट में क्रैकिंग हुई है वो ना हो, थोड़ा सा कल सपोर्ट मिले मेटल सेक्टर को। तो ये मैंने जो टारगेट बताया आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।